स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स फॉर सिविल इंजीनियर इन इंडिया इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, या फिर आप उसे पिन कमेंट में भी देख सकते हो, तो आप उस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो और जहाँ पर मैंने और भी ब्रीफली जॉब्स एंड प्राइवेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स को डिस्कस किया है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम सबको पता है सिविल इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एवरग्रीन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि एक बैकबोन है किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, ठीक है। तो जिसकी वजह से दोस्तों हर साल इन इंडिया और एनी अदर कंट्री सिविल इंजीनियर्स आर रिक्रूटेड फॉर डिफरेंट जॉब्स, ठीक है, जिनकी सैलरी नंबर ऑफ लैक्स में होती है दोस्तों। तो उसी से रिलेटेड आज हम उन जॉब्स को स्टडी करने वाले, कौन कौन से जॉब्स आपको अवेलेबल है, किसी किस सेक्टर में वो जॉब्स अवेलेबल है, क्या पेमेंट, क्या सैलरी होने वाली है, क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों इन इंडिया तो सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स आर मेनली क्लासिफाइड एज प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स एंड PSUs। PSUs आप सबको पता होगा दोस्तों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो ये तीन मेन कैटेगरीज है दोस्तों जिनमें आपको बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल की जाती है इन इंडिया। तो देखिए वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले है प्राइवेट जॉब। तो देखिए दोस्तों जो प्राइवेट जॉब्स आर कंसिडर्ड एज बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स फॉर फ्रेशर, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी सिविल इंजीनियरिंग कंपनीज हैं जो कि सिविल जॉब्स ऑफर करती है फ्रेशर इंजीनियर को विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो जॉब्स एक फ्रेशर के लिए बहुत ही अच्छी कंसिडर की जाती है। बट दोस्तों प्राइवेट जॉब्स जो होती है वो फ्रेशर को बहुत ही कम सैलरी ऑफर करती है इन इनिशियल डेज, बट अगर आप उस जॉब को अच्छे से कंडक्ट करते हो तो आपको जल्दी से प्रमोशन भी मिल सकता है। तो ये मेन एडवांटेज है प्राइवेट जॉब का, ओके। देन अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छी सैलरी चाहिए उस जॉब में तो आप 1 से 2 साल उस जॉब को कर सकते हो, देन जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और दूसरी जॉब के लिए आपको अच्छा खासा पेमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इन इंडिया प्राइवेट जॉब्स आर क्लासिफाइड एज कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। बेसिकली दोस्तों प्राइवेट जॉब जो होती है वो आपको कैंपस थ्रू भी मिल सकती है या फिर ऑफ कैंपस आप उनको ले सकते हो। तो सबसे पहले हम कैंपस प्लेसमेंट थ्रू जो जॉब्स अवेलेबल होती है उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट जो जॉब्स ऑफर की जाती है वो बहुत ही अच्छी होती है फ्रेशर्स के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि कोई आपको एक्सपीरियंस ज़रूर नहीं होता है। प्राइवेट जॉब में दोस्तों प्रमोशन ईजिली अवेलेबल है, बट हो सकता है दोस्तों आपको जो जॉब मिला है उसका ड्यूरिंग इनिशियल डेज पेमेंट कम हो। तो अगर आप पेमेंट के लिए जाना चाहते हो तो प्राइवेट जॉब इज़ नॉट फॉर यू, बट अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो एंड अगर आपको प्रमोशन जल्दी चाहिए तो आप प्राइवेट जॉब्स को चूज़ कर सकते हो। अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज, IIT, VIT ऐसे अच्छे कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो तो आपको सैलरी 5 to 8 lakhs पर एनम मिल सकती है, बट अगर आप कोई प्राइवेट या फिर नॉर्मल कॉलेज हो तब आपको सैलरी कम होगी, अराउंड 3 to 5 lakhs हो सकती है आपकी सैलरी। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया यहाँ पर प्राइवेट जॉब में प्रमोशन ईजी होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो दोस्तों कई सारी ऐसी कंपनीज होती है जो कैंपस प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स को हायर नहीं करती है, तो वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जॉब्स अवेलेबल करती है स्टूडेंट्स के लिए। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जो भी जॉब्स अवेलेबल है वो जॉब्स पाना थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि ये जो जॉब्स होती है दोस्तों वो हायर पेमेंट ऑफर करती है दूसरे प्राइवेट जॉब्स को के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो, ठीक है। इसी के लिए ये जॉब्स हार्ड होती है पाने के लिए। तो प्रमोशन यहाँ पर भी दोस्तों ईजी है, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप दो से तीन साल किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, देन दूसरी कंपनी के लिए ट्राई कर सकते हो। दूसरी कंपनी में के लिए कंपनी में आपको 100% ज़्यादा पेमेंट ऑफर किया जाएगा। अगर सैलरी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी हो सकती है 8 to 10 lakhs। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जॉब्स जो होती है वहाँ पर आपको पेमेंट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो कि आपको अच्छी खासी सैलरी ऑफर करती है इन इंडिया। यहाँ पर दोस्तों मैंने सिर्फ 20 कंपनीज दिखाई है, जैसा कि मैंने बताया अगर आपको उस हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो वहाँ पर मैंने 50 से ज़्यादा कंपनीज की लिस्ट आपको दी है, उनके साथ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, सैलरी क्या होगी, वो सारी डिटेल्स मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किए। लार्सन एंड टूब्रो,
टाटा प्रोजेक्ट्स, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, ग्यामन इंडिया, आपको पता होगा जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पर मैंने दी है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, BSCPL हो गया, अनंत एक्सेस हो गया, एसोसिएटेड इंजीनियरिंग, रेल रोड सिस्टम लिमिटेड, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है दोस्तों जहाँ पर आपको अच्छा खासा पेमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी हम गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स आप सबको पता है इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही कम अवेलेबल होती है, ठीक है, बट स्टिल दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल ट्राई करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स दोस्तों जो फैसिलिटीज़ आपको ऑफर करती है, जो पर्क्स आपको ऑफर करती है, अलाउंसेस ऑफर करती है, वो किसी भी जॉब्स से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। हो सकता है आपको जो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी वहाँ पर आपको पेमेंट कम हो, बट जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं वो नॉट कंपेरेबल है। और दोस्तों हम सबको पता है गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया में बहुत कम है, तो हर 1000 स्टूडेंट के पीछे किसी एक स्टूडेंट को ही गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको पता है कि आप कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट कर सकते हो, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब आप इजीली क्रैक कर सकते हो और अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल भी सकती है। नेक्स्ट, अभी अब दोस्तों देखते हैं नॉन टेक्निकल जॉब्स एंड टेक्निकल जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स के क्लासिफिकेशन है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों नॉन टेक्निकल जॉब्स में आपको जो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं वो आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम्स होती है दोस्तों SSC CGL, RRB NTPC, IBPS, स्टेट लेवल PSC, UPSC, CSE, तो ये सारी नॉन टेक्निकल जॉब्स है दोस्तों जिनको क्रैक करके आप इजीली गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, टेक्निकल जॉब्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो टेक्निकल जॉब्स में दोस्तों बेसिकली दोस्तों आपको टेक्निकल एग्ज़ाम्स आपको देनी पड़ेंगी, क्रैक करनी पड़ेंगी। तो वो जॉब एग्ज़ाम्स कौन कौन सी वो देखते हैं। सबसे पहली UPSC, ESE, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, गेट, SSC, JEE, PSU एंड ISRO, ये सारी टेक्निकल जॉब्स है। ये इनमें से एक भी अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो आपको अच्छी खासी पेमेंट वाली गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ गवर्नमेंट जॉब्स बताई है आपको। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको BE BTech सिविल होना चाहिए। जो आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी वो होगी UPSC प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, ठीक है। जो सैलरी होगी दोस्तों 50,000 प्लस होगी विथ, यहाँ पर दोस्तों मुझसे गलती हो गई है, विथ पर्क्स नहीं, जो आपको इनहैंड सैलरी मिलेगी वो यहाँ पर मैंने बताई है। यहाँ पर मैंने पर्क्स अलाउंसेज यहाँ पर मैंने डिडक्ट किए, यहाँ पर मैंने वो कंसिडर नहीं किया, ठीक है। इनहैंड सैलरी यहाँ मैंने बताई है 50,000 प्लस हो सकती है। अलाउंसेज जो मिलते हैं दोस्तों वहाँ पर देखिए, होम, ऑफिशियल व्हीकल, मेडिकल, ट्रैवल, पर्सनल असिस्टेंट, ड्राइवर, सर्वेंट, प्लस दोस्तों आपको फैमिली के लिए प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स में जो आपको ऑफर्स फैसिलिटीज जो ऑफर की जाती है वो किसी भी जॉब अदर जॉब्स के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो जॉब है दोस्तों वो है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको BE BTech होना चाहिए। एग्ज़ाम जो देनी पड़ेगी दोस्तों वो आपको गेट एंड ISRO की जो सेपरेट रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा वो आपको क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी जो होगी दोस्तों वो आपकी 60,000 प्लस होगी, यहाँ पर भी मैंने पर्क्स नहीं कंसिडर किए। अलाउंसेस जो होंगे दोस्तों वो आपको ऑफर किए जाएंगे ट्रांसपोर्ट में, हाउसिंग, मेडिकल एंड कैंटीन। नेक्स्ट जो जॉब है दोस्तों वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बहुत ही अच्छा जॉब है दोस्तों। क्वालिफिकेशन जो चाहिए दोस्तों वो है BTech BE और BTech सिविल। एग्ज़ाम जो आपको देनी पड़ेगी वो होगी गेट क्वालिफिकेशन प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो DRDO का सेपरेट इंटरव्यू होता है, वो भी आपको क्रैक करना पड़ेगा। सैलरी जो होगी दोस्तों आपकी वो होगी 75,000 प्लस। अलाउंसेस आपको ऑफर किए जाएंगे वो होगी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, मेडिकल, हाउसिंग एक्सेट्रा। फोर्थ जो जॉब है दोस्तों इंडियन आर्मी है। क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए वो होगा BE BTech या फिर डिप्लोमा सिविल। तो इंडियन आर्मी में एक एडवांटेज है कि डिप्लोमा सिविल जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी जो होगी दोस्तों वो BE एंड BTech स्टूडेंट के लिए होगी 56,000 प्लस एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है 35,000 प्लस, ओके। अलाउंसेस यहाँ पर भी दोस्तों अवेलेबल है, जो कि हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एंड कैंटीन, ठीक है। लास्ट जो अच्छी गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों वो है DMRC, डेली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। यहाँ पर भी दोस्तों आपको BE BTech एंड डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। सैलरी जो होगी दोस्तों वो आपकी 40,000 प्लस होने वाली है। अलाउंसेस आपको हाउसिंग, मेडिकल, ट्रैवल इन मेट्रो सारे आपको मिल सकते हैं।
अपना। अभी हम दोस्तों बात करने वाले हैं PSUs की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेसिकली ये जॉब होती है जिनके स्टेक्स 50% गवर्नमेंट के पास होते हैं और 50% प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर के पास होते हैं। 2019 एंड 2020 से दोस्तों गवर्नमेंट के पास जो स्टेक्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं एंड जो पब्लिक सेक्टर के पास टैक्स है वो बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले कुछ सालों में PSUs कम्प्लीटली प्राइवेटाइज हो जाए, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये जो PSUs होती हैं वो हाफ इनके स्टेक्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, हाफ प्राइवेट सेक्टर्स के पास होते हैं, वही मैंने बताया। नेक्स्ट है दोस्तों PSUs को, अगर आपको PSU जॉब अगर आपको दोस्तों चाहिए तो आपको कंपल्सरीली गेट एग्ज़ाम देनी पड़ेगी विथ गुड स्कोर। तो यही एक क्राइटेरिया दोस्तों PSU जॉब को पाने के लिए, अगर आपको गेट एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर भी दोस्तों मैंने कुछ लिस्ट दी है, यहाँ पर मैंने 10 हाई पेइंग PSU जॉब्स दी हुई है आपको, आप देख सकते हो, ठीक है। सारी की सारी जो जॉब्स है दोस्तों उनकी सैलरी 60,000 to 1,80,000 पर मंथ है, इसके बीच आपकी सैलरी वेरी कर सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर जो 10th जॉब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वह इसकी जो सैलरी है वो कुछ कम है, 20,600 to 46,500, ठीक है। तो आप स्नैपशॉट लेकर वन बाय वन एक एक जॉब आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा भी जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों, बट ये जो 10th जॉब है वो सबसे ज़्यादा पेमेंट आपको ऑफर करती है, ठीक है। तो कंक्लूजन देखते दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हर एक जॉब का, प्राइवेट जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट जॉब्स का अलग अलग अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो कोई भी जॉब चूज़ करने से पहले दोस्तों आप कोई कौन सी जॉब सूटेबल है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड फैसिलिटीज़ अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको प्रमोशन जल्दी चाहिए और अगर आप कम सैलरी में भी इनिशियल डेज में काम कर सकते हो तो प्राइवेट जॉब्स आपके लिए, जैसा कि मैंने बताया प्राइवेट जॉब्स में प्रमोशन पॉसिबल है बट गवर्नमेंट जॉब्स में दोस्तों प्रमोशन इजीली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में आपको फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी मिलती है, ठीक है। और अगर आपको मिक्स फीलिंग है तो आप PSUs के लिए भी ट्राई कर सकते हो। लास्ट में एक ही बात मैं बताना चाहूँगा, डोंट लुक फॉर अ शॉर्ट टाइम प्लेजर, इट विल डिक्रीज योर पेशेंस, सो टेक योर टाइम एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो 1 से 2 साल आप अच्छी जॉब के लिए प्रिपेयर कीजिए, गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए या फिर UPSC एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। डेफिनेटली आपकी एग्ज़ाम निकल जाएगी और आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी दोस्तों। एट लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।